दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल को लेकर जो 21,391 पद पर जो भाली निकाली गई थी उसका जो है एग्ज़ाम भी हो गया था, तो उसका एग्ज़ाम भी हो गया था तो ऐसे में आज जो है रिजल्ट जारी करने की संभावना जताई गई है। आज जो है इसका रिजल्ट जारी करने की संभावना जताई गई है। जो क्या कुछ अपडेट भी आया है यहाँ पर, इसके वेबसाइट पर आएंगे बिहार पुलिस के वेबसाइट पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से इम्पोर्टेंट नोटिस करके यहाँ पर इस तरह से बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं इम्पोर्टेंट नोटिस NCSBC ऑफिशियल साइट, तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर नोटिस को जो है इस प्रकार से खुल कर आता है। यहाँ पर लिख रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार पटना का पूर्व संचालित वेबसाइट एड्रेस जो है https://cbisc.nic.in था, जिसका वेबसाइट एड्रेस बदल कर जो है ये कर दिया गया। मतलब कि ये जो है ये डोमेन नेम चेंज करने के लिए इस प्रकार से आज जो है नोटिस जारी किया गया है। जो है इसका डोमेन नेम चेंज हो चुका है, ये पहले था .nic.in इस तरह से था, .nic.in इसका था, अब जो है जो चेंज कर दिया गया .government.in कर दिया गया, .government.in कर दिया गया। जो वेबसाइट है नया जो डोमेन नेम बनाया गया इसका जो .government.in हो चुका है। तो आता है यहाँ पर लिखा गया है आता पर्षद से संबंधित सूचनाओं एवं भर्ती विज्ञापन से संबंधित सूचनाओं के लिए वेबसाइट एड्रेस यहाँ पर यह बताया गया कि यही अब जो वेबसाइट है यही हो चुका है .nic.in ये जो है हट चुका है। अब ये जो है अब आपका ये वेबसाइट रहेगा .government.in पर जाकर अपना जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। यही पर आप जो है आपका जो भी जानकारी बिहार पुलिस के द्वारा आएगा तो यहाँ पर यही आपका अब अपडेट किया जाएगा, यही वेबसाइट पर आप जो है अपडेट आएगा। यही को लेकर ये इस प्रकार से नोटिस जो है इस प्रकार से जारी किया गया था, यहाँ पर देख सकते हैं इसी को लेकर यहाँ पर इस प्रकार से नोटिस जारी किया। तो ऐसे में हम आगे हम क्यों बता रहे थे कि आपका रिजल्ट जो है आज ही जारी किया जाएगा, तो इसको लेकर भी यहाँ पर नोटिस जो है इसको लेकर भी आया है, इसको लेकर भी बिहार पुलिस को लेकर भी इसका नोटिस आया कि 21,391 पदों का जो इनका बहाली निकाला गया था उनका एग्ज़ाम भी हो चुका था। और जो है हम आपको बताए थे आगे कि आपका जो है आज ही जो है संभावना है कि आज ही आपका जो है रिजल्ट आने वाला है। तो कैसे हम तो इसका नोटिस आप देख लें, तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका नोटिस जो है यहाँ पर प्रभात खबर के पेपर के माध्यम से इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आज सिपाही बहाली नई वेबसाइट पर आएगा, नई वेबसाइट पर आएगा। यहाँ पर बताया गया कि जो अभी नया वेबसाइट जो है अभी डोमेन नेम में चेंज किया गया था, पहले जो था .nic.in था, .nic.in इस प्रकार से था, .nic.in था पहले, अब जो है इसका .nic.in था, अब जो है नया वेबसाइट जो चेंज किया गया .government.in इस प्रकार से कर दिया गया .government.in कर दिया गया है, नया वेबसाइट जो .government.in कर दिया गया है, अब जो है चेंज हो चुका है। तो ऐसे में इस प्रकार से बताया गया आज सिपाही बहाली रिजल्ट नई वेबसाइट पर आएगा। तो यहाँ पर पटना यहाँ पर देख सकते हैं सिपाही भर्ती के लिए केंद्रीय चयन पर्षद बिहार की पर्व के से संचालित वेबसाइट के पते में बदलाव कर दिया गया है। वेबसाइट की आईडी जो था पहले जो था https://cbisc.cbsc, ये गलती टाइप हो चुका है, ये गलती टाइप है, csbcbih.in है, .nic.in था पहले जो है ये वेबसाइट था, अब जो है नया जो चेंज किया गया है इसमें भी जो को यहाँ पर इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक है, csbc तो होना चाहिए csbcbihar.government.in कर दिया गया। अब जो है https://csbcbihar.government.in कर दिया गया, जो इस प्रकार से वेबसाइट में चेंज कर दिया गया है, तो ये गलत टाइपिंग हो चुका है, ये गलत टाइपिंग हुआ है। तो ऐसे में जो नया चेंज हुआ है ये csbcbihar.government.in नया वेबसाइट डोमेन नेम में चेंज आया है, तो यही को लेकर यहाँ पर बताया गया कि ये मिलेगा सोमवार को 21,391 सिपाही भाली का रिजल्ट नए वेबसाइट पर आ सकता है। तो इसे हम बताया गया है, तो आप वेट करें कि आपका रिजल्ट आता है या नहीं। आप संभावना तो है लेकिन हमें तो लगता नहीं है कि आज जो है रिजल्ट इसका जारी होगा, ऐसे में लग तो नहीं रहा कि इसका रिजल्ट जो है आज ही जारी किया जाएगा 21,391 पदों वाला। ऐसे में अभी ये पर्व भी है, तो ऐसे में छठ के बाद
संभावना लगता है कि इस छठ के बाद ही आपका जो है रिजल्ट आने वाला है। छठ के बाद ही अगर आपका रिजल्ट आपका नहीं आता है तो ऐसे में छठ के बाद ही आपका जो रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो यही इस प्रकार से बताया गया है पेपर के माध्यम से। तो उम्मीद होगा कि आपको ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही जानकारी पाने के लिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।